दोस्त की पत्नी से क्यों हुआ प्यार, प्यार के लिए दोस्त को पत्थर से मारा, ट्रेन के आगे फेंक शरीर के किए छोटे टुकड़े। पूरी वारदात वेस्ट दिल्ली के मोती नगर इलाके से है, जहां एक शख्स दोस्त को बहाना बनाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और उसके सिर पर पत्थर से इतने वार करता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। बाद में दोस्त के शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक आता है। शव के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने के कारण उसके ऊपर कई ट्रेनें गुजर जाती हैं, जिसकी वजह से शव के कई टुकड़े हो जाते हैं। और बड़े शातिराना तरीके से इस शातिर दोस्त ने मृतक की पत्नी को फ़ोन कर पूरी घटना का ब्यौरा दिया, फिर पुलिस को फ़ोन कर बताया कि किसी ने उसके दोस्त को मार डाला है। लेकिन जब जांच में मामला खुलता है तो आरोपी की पहचान गुलकेश, जिसकी उम्र 20 थी, उसके रूप में होती है। आरोपी ने बताया कि वह मृतक की पत्नी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस विद इन 15 मिनट्स वहाँ पहुँच गई थी मौके पे, और उसके बाद वहाँ पे जाके हमने जब देखा, वहाँ पे एक हमें टांग मिली जो रेलवे ट्रैक पे पड़ी हुई थी, और उसकी बॉडी 300-400 मीटर दूर जाके पड़ी हुई थी। तो इसमें जो कॉलर था वो गुलकेश था, 20 साल का, उसने कॉल की थी। और हमने फिर इसको सस्टेन इंटरोगेशन किया, उसको प्रॉपर चेक किया कि क्या रीज़न है, कौन है, तो पता चला कि जो कॉलर है वही इसका मर्डर है। उसने पहले उसको सिर पे चोट मारी और उसके बाद उसको रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। और इस पूरे ऑपरेशन को हमने विद इन एक घंटे में पूरा केस को सॉल्व किया इसने। आपको बता दें, 2 साल पहले ही दोनों में दोस्ती हुई थी। दोनों ही दोस्त लेबर का काम करते हैं और काम के सिलसिले में दोनों पंजाब से दिल्ली आ गए थे। यहाँ आने के बाद गुलकेश का दलवीर के घर आना जाना बढ़ गया था, और इसी दौरान आरोपी के दलवीर की पत्नी से अवैध संबंध बनते हैं। गुलकेश ने उसकी पत्नी से शादी करने की बात कही। इस पर दलवीर की पत्नी ने कहा कि पति के रहते शादी नहीं कर सकती है, इसलिए आरोपी ने दलवीर की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस हत्या में मृतक की पत्नी की भूमिका की जांच कर रही है। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।